साईराम, लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही बजट फ्रेंडली होटल इन शिरडी, जो साई बाबा मंदिर से बस 5 मिनट की दूरी पर है। यहाँ से आप जब चाहो साई बाबा जी का दर्शन करने जा सकते हो, एकदम ही खुद को रिलैक्स एंड रिफ्रेश कर सकते हो साई नगर शिरडी में। वेलकम टू लाइफ एंड लीजर एंड वेलकम टू द होटल साई शुभम इन शिरडी महाराष्ट्र। बाय द वे, होटल साई शुभम एकदम ही रोड टच है एंड मंदिर से बस 5 से 10 मिनट की दूरी पर है। जैसे ही आप होटल में एंटर करते हो, आपको एम्पल पार्किंग स्पेस मिलेगी जो कि कम्प्लीटली फ्री है। अंदर एंटर करते ही आप लोगों को दिखने वाला है ये रिसेप्शन एरिया। यहाँ पर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आप जा सकते हो आपके रूम में। ये है यहाँ का लॉबी भी, देख लीजिए, बहुत ही स्पेशियस, काफी कंफर्टेबल सा यहाँ पर आपको सिटिंग स्पेस मिल जाएगा। उसी के साथ ही अगर मैं रूम्स की बात करूँ तो रूम्स भी मैं आप लोगों को डिटेल में दिखाने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक डेफिनेटली देखना। यहाँ पर आपको डुअल ऑक्यूपेंसी यानी 2 लोगों के लिए रूम, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी 3 लोगों के लिए, एंड अगर फैमिली होगी तो क्वाड ऑक्यूपेंसी एज इन 4 लोगों के लिए भी रूम्स मिल जाएंगे। उसी के साथ ही यहाँ पर आपको 2 रूम्स मिलेंगे विद बाथटब। अमेनिटीज में यहाँ पर आपको लिफ्ट भी मिल जाएगी, विच मेक्स होटल साई शुभम कम्प्लीटली सीनियर सिटीजन फ्रेंडली। यहाँ पर आप चाहो तो रेस्टोरेंट भी है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, बट अभी फिलहाल देख लेते हैं यहाँ के रूम्स कैसे दिखते हैं। प्राइसिंग डिटेल्स और सारे स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बता दूंगी एंड डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन भी डेफिनेटली चेक कर लेना। चलिए आप लोगों को दे देती हूँ टूर यहाँ के ड्यूअल ऑक्यूपेंसी के रूम की। जैसे ही आप अंदर एंटर करोगे, आपको ये बहुत ही कोजी एंड कंफर्टेबल सा बेड दिखाई देगा। उसी के साथ ही है यहाँ पर एक्स्ट्रा सिटिंग स्पेस भी। अमेनिटीज में आपको वाटर बॉटल्स कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएंगी, इंटरकॉम है, वाईफाई है, उसी के साथ ही ये शिरडी का नज़ारा भी, टीवी भी है, एंड आप लोगों को ये रूम एसी एंड नॉन एसी दोनों में ही मिल जाएगी। ये रूम की स्टार्टिंग प्राइस है 2000 रुपीज। प्राइसेस ना सीजन एंड ऑफ सीजन में चेंज होते रहते हैं, तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, उन्हें कांटेक्ट करके एक बार प्राइसिंग डिटेल्स कंफर्म कर लेना। ये है यहाँ का वॉशरूम एंड स्टोरेज यूनिट भी। ये रूम काफी कंफर्टेबल सी है, 2 लोग यहाँ पर इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं, जस्ट इन केस अगर आप लोगों के साथ कोई थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैट्रेस डाल के भी अकोमोडेशन हो जाएगा। बहुत ही कंफर्टिंग सा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। उसी के साथ ही ये बहुत ही बड़ी सी विंडो है, जो अगर आप ओपन रखोगे तो ढेर सारी सनलाइट आप लोगों के रूम में आ जाएगी। ये है शिरडी का बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू इफ आई मस्ट से, एंड एक बहुत ही बड़ा फुल लेंथ मिरर। हेलो, आप लोगों को टूर दे देती हूँ यहाँ के ट्रिपल बेड की। यहाँ पर ना आप लोगों को एक सिंगल बेड एंड एक डबल बेड मिलने वाला है। सारे अमेनिटीज टॉयलेटरीज तो यहाँ पर है ही, काफी ग्रीनरी आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगी। ये रूम भी आप लोगों को एसी नॉन एसी दोनों ऑप्शंस में आ जाएगा। उसी के साथ ही है यहाँ पर ये स्टोरेज यूनिट एंड एक क्लीन एंड हाइजीनिक सा वॉशरूम भी। सारे टॉयलेटरीज भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे, गर्म पानी मिल जाएगा 24/7। उसी के साथ ही बता देती हूँ ये रूम ना है अब एब्सोल्युटली परफेक्ट 3 लोगों की फैमिली के लिए, या फिर अगर आप लोगों के साथ एक छोटा सा बेबी है तो वो यहाँ पर अकोमोडेट कर सकता है, एंड अगर एक बड़ा बच्चा है तो यहाँ पर, तो अगर आप लोगों की एक छोटी सी 4 लोगों की भी फैमिली है तो भी ये रूम आप लोगों के लिए परफेक्ट है। प्राइजेस की अगर मैं बात करूँ तो ये रूम शुरू होती है एट जस्ट 2200 रुपीज। यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया एसी एंड नॉन एसी दोनों के ऑप्शंस है, तो एक बार नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके डेफिनेटली चेक कर लेना, प्राइसिंग डिटेल्स कंफर्म कर लेना। तो ये है आप लोगों की 3 बेड्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्रिपल ऑक्यूपेंसी रूम। चलिए
आप लोगों को क्विकली दिखा देती हूँ यहाँ की 4 बेडरूम। जैसे ही आप एंटर करोगे आप लोगों को ये 2 बहुत ही बड़े से डबल बेड दिख जाएंगे। आप लोगों को तो पता ही है शिरडी नॉर्मली हम फैमिली के साथ आते हैं साईं बाबा जी का दर्शन करने के लिए, और अगर आप लोग भी यहाँ पर आपकी फैमिली के साथ आ रहे हो तो ये रूम आपके लिए परफेक्ट है। बहुत ही सुंदर सा यहाँ का व्यू है, ये इतनी बड़ी सी विंडो है जहाँ से प्रॉपर सनलाइट आप लोगों के रूम में आती रहेगी। सारे बेसिक अमेनिटीज एंड टॉयलेटरीज आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। रूम की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है सिर्फ 2500 रुपीज, दैट इज 2500 रुपए। सारे अमेनिटीज एंड टॉयलेटरीज आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। ये बहुत ही बड़ा सा मिरर, टीवी है, एसी है, उसी के साथ वाटर बॉटल्स कॉम्प्लीमेंट्री, इंटरकॉम फैसिलिटी है, वाईफाई भी है जस्ट इन केस अगर आप लोगों को लगता है तो। ये रूम ना परफेक्ट है 4 से 5 लोगों की फैमिली के लिए जो यहाँ पर साईं बाबा जी का दर्शन करने आ रहे हैं। ये स्टोरेज यूनिट भी है एंड ये बहुत ही बड़ा सा क्लीन एंड हाइजीनिक सा वॉशरूम भी। हॉट वाटर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा 24/7। तो यहाँ पर जो लोग ना सुबह सुबह साईं बाबा जी का दर्शन करने जाते हैं, काकड़ आरती अटेंड करने जाते हैं, उन लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है। मस्त गर्म पानी से नहा धो के आप साईं बाबा जी का दर्शन करने जा सकते हो एंड वापस रूम में आने के बाद एंजॉय कर सकते हो ये नजारा। वाओ, आप लोगों को क्विकली दिखा देती हूँ यहाँ की बिजनेस सुइट विद बाथटब। जैसे ही आप एंटर करोगे आप लोगों को ढेर सारी सिटिंग स्पेस दिखाई देगी। एक काफी कंफर्टिंग सा यहाँ पर बेड भी है, रनर्स है जो बहुत ही प्रिटी लग रहे हैं। ये रूम कम्प्लीटली एयर कंडीशन है। अम्यूनिटीज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको सारे बेसिक अम्यूनिटीज टॉयलेटरीज मिल जाएंगे। देर इज इंटरकॉम, वाईफाई है, उसी के साथ ही टीवी है, कॉम्प्लीमेंट्री वाटर बॉटल, उसी के साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हो मिनी फ्रिज है, एक स्टोरेज यूनिट भी है यहाँ पर जो आप लोगों को अब भी दिखा देती हूँ, देख लीजिए, और एक क्लीन एंड हाइजीनिक सा वॉशरूम भी जो कि ये बिजनेस सुइट है। यहाँ पर आप लोगों को एक स्पेशल थिंग भी दिखने वाली है। हेलो, सारे टॉयलेटरीज आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। उसी के साथ मेरी फेवरेट चीज यहाँ की है ये बाथटब, बहुत ही रिलैक्सिंग सा है ये बाथटब। आप लोगों को आपके हसल एंड बसल वाली जिंदगी से काफी काफी रिलैक्स्ड फील करके देने वाला है यहाँ पर ना, ट्रस्ट मी। एक तो आप शिरडी में आते हो, शिरडी में साईं बाबा जी का दर्शन करने के बाद एनीवेज काफी रिलैक्स्ड फील होता है, और अगर रूम में मिल जाए एक बाथटब तो ओ माय गॉड, और क्या ही चाहिए। ये इतनी बड़ी इतनी स्पेशियस सी रूम काफी बजट फ्रेंडली है, और क्या चाहिए मेरे दोस्तों बताइए। क्विक टूर दे देती हूँ मेरे फेवरेट रूम यहाँ के महाराजा स्वीट की। अंदर एंटर करते ही आप लोगों को सिटिंग स्पेस, ये बहुत ही कंफर्टेबल से 2 सिंगल बेड मिल जाएंगे। जिस तरह से इसका नाम है उसी तरह से ये रूम भी है, काफी महाराजा वाली फीलिंग देती है। जैसे आप देख सकते हो ये रूम बहुत ही दिखने में रिच सी लग रही है। मेन बात तो मैंने आप लोगों को यहाँ की दिखाई ही नहीं है, पहले देख लीजिए ये हॉल एरिया, ये लिविंग एरिया। यहाँ पर आपको टीवी मिल जाएगा, केटल है, वाईफाई का एक्सेस है, इंटरकॉम है, एक बहुत ही बड़ा सा मिरर जिसमें दिख रही हूँ मैं। हेलो, और यहाँ पर ना आप लोगों को आपकी एक प्राइवेट सी बालकनी भी मिल जाएगी जहाँ से आप ये सुंदर सा व्यू एंजॉय कर सकते हो। आप लोगों को क्विकली दिखा देती हूँ यहाँ पर आप बहुत ही वंडरफुल सा व्यू एंजॉय कर लेना जो आप लोगों का कंप्लीट प्राइवेट है। उसी के साथ ही आप लोगों को जल्दी से दिखा देती हूँ यहाँ का वॉशरूम भी। यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी ये एडिशनल स्टोरेज यूनिट, उसी के साथ ही बहुत ही क्लीन एंड हाइजीनिक सा वॉशरूम जहाँ पर आप लोगों को गर्म पानी मिल जाएगा 24/7। सारे टॉयलेटरीज, सारी बेसिक अम्यूनिटीज आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना ये रूम मेरी एब्सोल्यूट फेवरेट है, वो क्यों वो मैं अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ इन
अ सेकेंड। ये रही यहाँ की मास्टर बेडरूम, यहाँ पर भी आप लोगों को काफी कोजी कंफर्टेबल सा बेड दिखाई देगा। इंटरकॉम है, सिटिंग स्पेस है एक्स्ट्रा, यहाँ पर भी वो सारी अमेनिटीज हैं जो बाहर रखी हुई हैं। मिनी फ्रिज है, 10 कॉम्प्लीमेंट्री वाटर बॉटल, टीवी है, वाईफाई का एक्सेस है, स्टोरेज है, उसी के साथ ही ये रूम कम्प्लीटली एयर कंडीशनड है। एंड महाराजा स्वीट की बेस्ट बात मैं आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ, देख लीजिए ये वॉशरूम बहुत ही क्लीन हाइजीनिक सा, बहुत ही स्पेशियस सा है। बट दिस इज नॉट इट, चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ की खास बात। ये रहा बाथटब, महाराजा स्वीट में आप लोगों को ये बहुत ही बढ़िया सा बाथटब मिलने वाला है। और क्या ही चाहिए, शिरडी आओ, बाबा जी के दर्शन करो, खुद को रिलैक्स एंड रिफ्रेश करने के लिए महाराजा स्वीट अभी के अभी बुक करो, बाथटब में बैठो, चिल करो एंड घर लेकर जाओ ढेर सारे मेमोरीज फ्रॉम दिस पावन लैंड ऑफ शिरडी। वाओ, अमेजिंग है ना। आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ का रेस्टोरेंट एरिया, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा सेटअप यहाँ पर किया हुआ है। अगर आप लोगों का एक बड़ा ग्रुप है, फैमिली में अगर आप आ रहे हो, आउट ऑफ महाराष्ट्र से यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हो, तो डोंट वरी, यहाँ पर आप लोगों के खाने पीने की बहुत ही बढ़िया तरीके से अरेंजमेंट होने वाली है। उसी के साथ ही ये रेस्टोरेंट भी कम्प्लीटली एयर कंडीशनड है, जैसे आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटिफुल सा ये सेटअप, बहुत ही लवली एंड चार्मिंग सी यहाँ की वाइब। एंड जैसे आप देख सकते हो ऑल दीज पेंटिंग्स एंड ऑल भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, देख लीजिए, है ना, बहुत ही सुंदर सा, खूबसूरत सा। यस तो अगर आप लोग एक बड़े ग्रुप में आ रहे हो तो यहाँ पर होने वाला है आपका लंच, डिनर या जो भी मील्स आप यहाँ पर प्रेफर करो। उसी के साथ ही अंदर किचन एरिया भी है, अगर आप लोगों को बाहर से कुछ ऑर्डर करना है एंड यहाँ पर बैठकर खाना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। मुझे तो होटल साई शुभम में रहना हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है, मैं यहाँ पर काफ़ी बार आ चुकी हूँ, फ्रेंड्स के साथ आ चुकी हूँ, फैमिली के साथ आ चुकी हूँ एंड हमेशा की तरह ही मेरा इस बार का एक्सपीरियंस भी काफ़ी स्पिरिचुअल रहा है, बहुत ही अमेजिंग सा रहा है। अगर आप लोगों को ये रिकमेंडेशन अमेजिंग सा लगा है तो जल्दी से इसे लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बताना कि आप यहाँ पर कब आना चाहोगे, किसके साथ आना चाहोगे। उसी के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना उन्हीं लोगों के साथ, सो दैट आप जल्द से जल्द प्लान कर सको, शिरडी सको एंड साई शुभम में आपका स्टे बुक कर सको एंड सब्सक्राइब भी करना लाइफ में लीजिए को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मैं मिलूंगी आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ, एंटिल देन बाय बाय एंड साई राम।